उस वक्त मक्का में औरतें तिजारत करती थीं, बिजनेस करती थीं, बाकायदा वो इम्प्लॉय रखती थीं और उन इम्प्लॉय के जरिए जो प्रोडक्ट्स होते थे मार्केट के वो खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे और जो प्रॉफिट होती थी वो सूटेबल प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो इम्प्लॉय को दिया जाता था। तो ये फ्रीडम थी उस वक्त। आज से 1400 साल पहले मक्का में औरतों को ये फ्रीडम थी, वो बिजनेस करती थी। शादी के बाद सैयद खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बीवी होने के अपने फर्ज को जिस तरह से अंजाम दिया तो वह तवारीख के पन्ने में गोल्डन वर्ड्स में सुनहरे लफ्जों में लिखा गया है और वो चमकता हुआ सितारा है जो लोगों को डायरेक्शन बताता है, दिशा दिखाता है कि कैसे शौहर और बीवी के रिश्ते होने चाहिए। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी शादी सैयद खतीजा के साथ हुई के 20 के आसपास कैमल ऊंट यंग कैमल्स शादी में सैयद खतीजा को रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया। यह भी एक सोचने और समझने की बात है कि शादी में जो शौहर है उसके तरफ से बीवी को गिफ्ट दिया जाता है, डॉरी दिया जाता है, न कि बीवी की तरफ से उसके घर की तरफ से शौहर को शौहर के घर वालों को दिया जाता है। तो ये जो दहेज है, ये जो लड़की की तरफ से हम देखते हैं शादी में लड़की की तरफ से लड़कों को दिया जाता है, बड़े पैमाने पर दहेज की मांग की जाती है, दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको तरह तरह से अजियतें दी जाती हैं। आज भी इस जमाने के अंदर डिमांड ऑफ डोरी है और माँ बाप किस तरह से अपने लड़कियों को दहेज में सामान देते हैं ताकि ससुराल में उसको कमतरी न महसूस हो और किस तरह से ससुराल के लोग डिमांड करते हैं, किस तरह से हस्बैंड की तरफ से और हस्बैंड के घर के लोग डिमांड करते हैं। आज के भी इस जमाने में जब हम कहते हैं कि ये मॉडर्नाइज जमाना है, हमारी सिविलाइजेशन एडवांस हो गई है, हमारी सोसाइटी एडवांस हो गई है, जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तब भी आज के जमाने में अगर लड़की आईएएस है, पीसीएस है, पीओ है, तो भी उसके घर के वालों को शादी में उसके दहेज उसी स्टैंडर्ड से देना पड़ता है और जिस स्टैंडर्ड का, जिस सर्विस में, जिस स्टैंडर्ड में लड़का है उसके स्टैंडर्ड से शादी करना पड़ता है। 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ रुपया शादी में लड़की वालों का खर्चा होता है। मगर उस समय, उस वक्त आज से 1400 साल पहले सैयद खतीजा जो ईमानदार थी, वीडो थी, अमीर थी, दौलतमंद थी, मगर उनकी तरफ से डोरी या कोई भी गिफ्ट नहीं दिया गया, बल्कि रिवाज ये था, ट्रेडिशन ये था कि जो भी दिया जाएगा वो लड़के की तरफ से दिया जाएगा, हस्बैंड की तरफ से दिया जाएगा। और 20 ऊंट के यंग बच्चे, 20 ऊंट नबी, प्यारे नबी की तरफ से दिया गया।
इससे उस वक्त का क्या ट्रेडिशन अरब में था उसकी एक झलक मिलती है, उसकी एक झलक मिलती है कि क्या ट्रेडिशन था। खतीजा से दो लड़के पैदा हुए जिसमें एक अल कासिम और एक अब्दुल्ला जो बाद में फौत कर गए, और चार लड़कियां पैदा हुईं, और ये चारों लड़कियां जिसमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे खुलतुम और फातिमा, ये चार लड़कियां हुईं, और जो दो लड़के हुए वो दोनों अनफॉर्चुनेटली वफात कर गए, फौत कर गए। जब तक सैयद खतीजा जिंदा रहीं, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं किया, और पूरी ज़िंदगी सैयद खतीजा के साथ गुजारा। जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लगातार सच्चाई को जानने में लगे हुए थे, और जब पहला रिवीलेशन उनको हुआ, और जब जिब्रील अली सलाम आए और उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लगे। ऐसा तवारीख के पन्नों में है कि वो कांपते हुए, शिवरिंग करते हुए वो घर के अंदर आए, और उन्होंने सैयद खतीजा से कहा कि कंबल ले आओ, कंबल ओढ़ाओ। और उनको सैयद खतीजा ने कंबल ओढ़ाया, और उस वक्त नबी को ऐसा लग रहा था जैसे बुखार हो गया हो, फीवर आ गया हो, और पूरा बदन ऐसा लग रहा था जैसे शिवर कर रहा है, कांप रहा है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें आराम मिला, शिवरिंग कम हुई, तो उन्होंने सैयद खतीजा से सारी बात बताई कि इस तरह से जिब्रील अली सलाम आए और उन्होंने ये मैसेज दिया। सैयद खतीजा ने उस पर यकीन किया, नबी की बातों पर यकीन किया, अपने शौहर की बातों पर यकीन किया, और उसकी ताईद किया। शी सेड टू हिम, बी फर्म बाई हिम हु डोमिनेट्स खतीजा सोल, आई प्रे एंड होप दैट यू विल बी द प्रॉफिट ऑफ द नेशन। शी विश्ड हर हस्बैंड कुड ब्रिंग द पीपुल टू द रिलीजन ऑफ ट्रूथ एंड ब्लेज फॉर देम द पाथ ऑफ गुडनेस एंड वर्च्यू। सैयद खतीजा ये चाहती थी कि उनके शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छाई और वर्च्यू का रास्ता दिखाएं, और इसके लिए उन्होंने उनकी हिम्मत अफजाई किया, और उनके साथ जिंदगी भर उनका इस मिशन और इस विजन में साथ दिया। सैयद खतीजा दौड़ते हुए अपनी कजन वरका इब्न नौफाल के पास गईं। वरका ईसाई हो चुके थे। सारी बात सुनने के बाद सैयद खतीजा के कजिन वरका इब्न नौफल ने कहा कि
कि होली होली बाई हिम हु डोमिनेट्स वरका सोल, इफ योर रिपोर्ट इज ट्रू ओ खतीजा, दिस मस्ट बी ग्रेट स्पिरिट दैट स्पीक टू मोसेस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम मस्ट बी द प्रॉफेट ऑफ दिस नेशन, टेल हिम दैट ही मस्ट बी फर्म। वरका ने कहा कि ओ खतीजा, ये ग्रेट स्पिरिट जिसने ये पैगाम दिया है, वो उसी ग्रेट स्पिरिट ने मोसेस को भी पैगाम दिया था, और यकीनन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ये इस अरब वर्ल्ड के नबी हैं, और उनसे कहना कि वो अपने मैसेज पे, जो अल्लाह का मैसेज है, जो जिब्रील अली सलाम ने भेजा है, जो मैसेज दिया है, उस पे वो कायम रहे, फर्म रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि पहला एजाज, पहला चांस ईमान लाने वालों में इस दुनिया के अंदर नबी पर सैयद खतीजा को मिला, और यह पूरी दुनिया के औरतों के लिए एक प्राउड की बात है कि आदमी को नहीं मिला, औरत को मिला, और सैयद खतीजा को मिला। यह दुनिया की सारी औरतों के लिए एक प्राउड की बात है, फख्र की बात है, गर्व की बात है। उन्होंने नबी पर भरोसा किया, ईमान लाया, और भरोसा किया कि बेशक अल्लाह के नबी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब वक्त सोने का नहीं है, आराम करने का नहीं है, बल्कि अल्लाह का जो पैगाम है, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। अब आराम का वक्त खत्म हो चुका है, और जब प्यारे नबी ने अल्लाह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और कॉल किया कि एक अल्लाह की परस्तिश करो और उसमें किसी को शरीक मत करो, तो बड़े पैमाने पर मक्का में जो कुरैश के लोग थे और भी जो मक्का के लोग थे, वो उनके विरोधी हो गए, अपोजिट हो गए, और बड़े पैमाने पर उनका विरोध करने लगे, और 3 साल तक पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया गया। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया गया और उनके फॉलोअर्स का बाइकॉट किया गया, वो दिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन था, और वो सैयद खतीजा के लिए भी बहुत ही परेशानी के दिन थे। मगर उन्होंने इस मुसीबत के लम्हों में भी प्यारे नबी का साथ नहीं छोड़ा, और वो उनके साथ उसी तरह मजबूती से खड़ी रही। और जब कुरैश के लोग और नबी की मुखालिफत करने वाले लोगों ने जब बाइकॉट कर दिया, बिजनेस का बाइकॉट कर दिया, और हमला करने लगे, हमलावर हो गए, जान तक की जान जोखिम में हो गई, और हमले होने लगे, तरह तरह से उनके ऊपर जुल्म और सितम बढ़ने लगे, ऐसे हालात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम को जारी रखा, और उस 3 साल के अंदर सैयद खतीजा की जो दौलत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और काफी पैसा सैयद खतीजा का पानी में, सामान में, कपड़े लत्ते में, और जो
मुसलमान हो रहे थे, जो फॉलोअर्स थे और जो उनके क्लान के लोग थे, जो लोग उनके खानदान के बनू हाशिम के जो लोग थे, उनके लिए खरीदने में खर्च होने लगे और एक ऐसे हालात पैदा हो गए कि सैयदे खतीजा के पास, मदर ऑफ बिलीवर्स के पास एक दिनार, एक पेनी, एक अशरफी भी नहीं बची, जो उस समय करेंसी चल रही थी, एक दिनार एक पेनी भी नहीं बची। और कहते हैं कि सैयदे खतीजा जो इतनी शान बान की जिंदगी जी रही थी, जो इतनी लग्जरी की जिंदगी जी रही थी, जिन्होंने इतनी लग्जरी की जिंदगी जिया, जिनके पास अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, सारे आशाइश के सामान, सारे लग्जरी के सामान थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने शौहर के साथ रही, शौहर के साथ तकलीफ सहा और अपनी सारी दौलत उन्होंने सर्फ कर दिया, अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया, जो बनू हाशिम क्लांस के जो लोग थे उन पे सर्व कर दिया, जो मुसलमान हुए फॉलोअर्स उनके खाने पीने पर, कपड़े लत्ते पर अपनी सारी दौलत खर्च कर दिया। ये एक मिसाल है, ये दुनिया के लिए मिसाल है, ये उन औरतों के लिए, ख्वातीनों के लिए मिसाल है। और आखिर में कहते हैं कि खतीजा के पास एक पेनी, एक दिनार भी नहीं बचा और लगातार इतने बड़े संघर्ष ने उनके सेहत को काफ़ी ख़राब कर दिया, उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई और AD 619 619वीं ईस्वी में, AD 619 में खतीजा, सैयदे खतीजा फौत कर गई, शी डाइड। एंड दिस इज अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ सैयदे खतीजा, द मदर ऑफ बिलीवर। थैंक यू वेरी मच।